आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी जी। आज हम एक ऐसे प्रतिभा से आपको मिलाना चाहते हैं जिन्होंने अपने मेहनत और अपने पढ़ाई के बल पे सिविल सेवा में पूरे भारतवर्ष में 9वां रैंक हासिल किया है। यहाँ नौशीन जी, आज में हम मुलाकात कराना चाहते हैं नौशीन जी से जिन्होंने सिविल सेवा में 9वां रैंक हासिल किया है ऑल इंडिया पे। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। अब बातें करते हैं कि इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? जी, सफलता का श्रेय तो सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, उसके साथ साथ मैं जामिया आसी जहाँ पे मैंने ये तैयारी की थी, और तीसरा मैं अपने भाई बहन को देना चाहूँगी। कितने वर्ष लग गए? ये मेरा 5वां साल था, 5वें साल में सिलेक्शन हुआ। 5 वर्ष लग गए। और क्या लगता है कि अब सेवा में जा करके अब क्या करना है? जी, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज करना है। दूसरा, मैं अपनी जो वैल्यूज़ है, जो भी मुझे फैमिली से इस प्रिपरेशन के टाइम में मिली है, वो मैं कैरी करूँगी सर्विसेज में। कितना समय देती थी डेली पढ़ने पे? ऑन एन एवरेज मैं 7 to 8 आवर्स देती थी, पर जब मेंस पास आ गया था थोड़ा स्टडी आवर्स बढ़ा दिए थे। घर का माहौल कैसा था पढ़ाई को लेकर के? घर माता पिता का क्या सहयोग रहा? आपके जो मित्रगण हैं उनका क्या सहयोग रहा? जी मम्मी पापा ने तो पूरा एक अलग स्पेस दिया था अच्छे से पढ़ने के लिए। जब भी मैं पढ़ती थी तो कोशिश करते थे कि कुछ भी डिस्टरबेंस ना हो, मुझे कोई भी आता तो आने नहीं देते थे मेरे कमरे में, ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। बाकी मेरे फ्रेंड्स को मैं कहूँगी कि उन्होंने मेरी इस अटेम्प्ट में जो है उनके बदौलत, उनका मैं कहूँगी 50% रोल उनका ही रहा। क्या संदेश देना चाहेंगे युवा वर्ग को जो इस समय तैयारियां कर रहे हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे? कौन सी ऐसी प्रेरणा देंगी कि लोग तैयारियों को लेकर कौन सी नई नई तैयारियां करें? क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप जो जिस भी फील्ड में जा रहे हैं वहाँ पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करें। दूसरा, कभी रिकॉग्निशन के पीछे ना जाएं। आप अच्छे से काम करेंगे तो आपको अपने आप रिकॉग्निशन मिलेगा, तो उसके लिए ज़्यादा मतलब किसी ग्लैमर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपको शुभकामना आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए। ये हमारे साथ नौशीन जी थी जिन्होंने सिविल सेवा सर्विस में 9वां रैंक हासिल करके अपने शहर का मान, अपने माता पिता का मान, अपने गुरुजनों का मान बढ़ाया। इन्हीं सब खबरों के बने के लिए अवध केसरी टीवी के साथ।